काम किया है, हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे पास 25 साल का रोड मैप भी है। ये 10 साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी एलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो, 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को क्या दिया? 1,91,000 करोड़। कितना? 1,91,000 करोड़। जरा जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में 1,91,000 करोड़ की जगह उससे 4 गुना 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 8,00,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए, 10 साल में 16,00,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बेचे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना, हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए? और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, लगभग 1,20,00,000 लोगों को आजादी के 75 साल के बाद महाराष्ट्र में पीने का पानी घर में मिला। 1,00,00,000 लाभार्थियों को 5,00,000 तक का आयुष्मान भारत का फायदा मिला। लगभग 76,00,000 माताओं को घर में पहली बार शौचालय मिला। 7 करोड़